फनी फनी बॉय। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Hey guys, welcome back to my channel KD Dawat Vlogs. So जैसे कि लास्ट वीडियो मैंने मेकअप चैलेंज विद हस्बैंड के साथ डाला था, उस वीडियो को आपने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत पसंद किए, तो मैंने सोचा कि दोबारा इनके साथ एक वीडियो बनाए। तो लास्ट वीडियो में मुझे बहुत ज़्यादा पूछा कि क्या आप लोगों का लव मैरिज है या फिर अरेंज मैरिज है, तो उसी के लिए डिस्कशन करेंगे और उसी के बारे में ये वीडियो मैंने आज डाला है। तो एंड तक बने रहिए, आप लोगों को बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही एंटरटेनमेंट है। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को हिट करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, जब भी मैं वीडियो डालूंगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए डेट इस बात की वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग आपके साथ शेयर करने वाले वेडिंग एल्बम, यहाँ पे कियांश, वहाँ पे नीचे सोया है, दिव्यांश, हनी एंड सोनू। सो गाइस देखिए कितना मोटा है वेडिंग एल्बम, तो चलिए ओपन करते हैं। सो देखिए यहाँ पे इनका फोटो है, यहाँ पे गणेश जी, सबसे पहले गणेश जी का ही पूजा किया जाता है। देखो डेट देखो और टाइमिंग देखो, कभी कितने साल हो रहे हैं। एक्चुअली हम दोनों का जो वेडिंग है 2016 में हुआ है, और ये 29 अप्रैल 2016। हाँ, और ये मेरे ना कि कोई रिलेटिव्स लगते हैं ना मैं इनको जानती हूँ, शादी करने के बाद ही इनको जाना है मैंने, ये हमारे रिलेटिव्स के पहचान वाले हैं। मतलब इसमें देखिए यहाँ पे मैं कितनी स्किन दिख रही हूँ, आपको दिख रहा है क्या? और यहाँ पे एक्चुअली तब मेरा कॉलेज जो है ना रनिंग था, एग्ज़ाम चल रहे थे, तभी शादी हो गया। हमारे में हल्दी सेलिब्रेशन ऐसे हुआ था, हल्दी लगा रहे थे मेरे को। ये मेरी बुआ है, ये सब मेरे दीदी है और मेरे मामा की वाइफ। अभी मैं कितना डिफरेंस है। ये मेरे बुआ के लड़के हैं, उनकी लड़की, उनके हस्बैंड, ये मेरी दीदी, ये मेरी बुआ है दोनों हस्बैंड, मेरे हीरो, ये उनके पूरी एंटायर फैमिली है, ये उनका पूरा एंटायर फैमिली है। ये सूरत, सूरत में इन्होंने हॉल बुक किए थे और फिर सूरत में हमारे पापा ने शादी करवाया। और यहाँ पे डांस प्रोग्राम हुआ था हल्दी के दिन, मेरे सिस्टर ने ऑर्गेनाइज किया। ये मेरी सिस्टर है, देखिए यहाँ पे हम दोनों साथ में पहली बार बैठे हैं, है कि नहीं? ये रहा मैं, ये देखो जो बच्चे मतलब अच्छे डांस किए थे उनको इन्होंने प्राइज दिया है। इन्हें भी डांस कर रहे हैं, ये रही दुल्हन, मैंने ज़्यादा कुछ प्लानिंग नहीं किया था, ऑर्गेनाइज नहीं की थी, अपने लिए कोई शॉपिंग नहीं किया था, सब मेरे मम्मी पापा और मेरे सिस्टर ने ही प्लान किए थे, क्योंकि तब मेरा एग्ज़ाम्स था तो मैं बिजी थी। ये मेरी ननद है बड़ी वाली, ये मेरा भाई है, तो बहुत छोटा था लेकिन अभी बहुत स्मार्ट बन गया है। ये हमारा शादी का मंडप है, देखिए ग्रूम दूल्हा, यहाँ पे ब्राइड, यहाँ पे हमारा वरमाला हो रहा है, देखिए ये हमारे पंडित जो भिवंडी से लेके गए थे। हमारे में ऐसे सिर पे ना गुड़ और अजवाइन कुछ रखते हैं, वो कंपलसरी मैंडेटरी है साउथ इंडिया में। और यहाँ पे ऐसे पैर ऐसे दबाने का रस्म होता है। यहाँ पे वरमाला डालते वक्त मेरे हमारे भाई लोगों ने सब लोगों ने मुझे उठाया था। ये कन्यादान का फोटो है, मेरी मम्मी और मेरे पापा, ये इनके मम्मी पापा, इनके मम्मी इधर नीचे है, इनके पापा, ये उन्होंने मंगलसूत्र बांध दिया है, देखिए
एक मंगलसूत्र टोटल लाइफ चेंज। यहाँ पे विदाई हो रही है, देखिए मेरे पेरेंट्स और मेरे जो भी रिलेटिव्स हैं सब लोग इनको सौंप रहे हैं मुझे। ये देखिए मेरा डॉगी, अभी नहीं है, 12 इयर्स तक था लेकिन अभी डेथ हो चुका है। मैं कितना रो रही थी यहाँ पे, देखिए यहाँ पे गाड़ी में बस में ये लोग फिर आए थे लेके गए। खत्म। सो एल्बम हो गया है फिनिश। अब मैं मेरे हस्बैंड को पूछना चाहती हूँ कुछ सवाल। तो बोलिए आपको मेरे से शादी करके, मेरे से शादी करके मतलब क्या लगा? शादी करके अच्छा लग रहा है। अपना शादी एक ड्रीम होता है सबका, ब्यूटीफुल मोमेंट होता है। मैरिज एक ऐसी मोमेंट होती है जो जिंदगी भर निभाना पड़ता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। प्रॉमिस इज इंपॉर्टेंट इन मैरिज, वो ज़्यादा निभाना पड़ता है पूरे लाइफ लॉन्ग, क्योंकि लाइफ लॉन्ग अपने को देना है अपनी बीवी बच्चों के साथ और माँ बाप को भी साथ देना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है माँ बाप को और बीवी बच्चों को। मैरिज लाइफ के बाद भी उनको याद करना पड़ता है। तो गाइस अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय।